अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से मैं अपने चैनल में जिसका नाम है लव लिटरेचर एंड मोटिवेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर इंट्रोडक्शन देने से पहले आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि जो ये वीडियो लेकर आया हूँ थोड़ा सा लेट हो गया है। फ्रेंड्स, किसी कारण से ये वीडियो लेट हो गया है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ जाएगा और इसके बाद कोई सा वीडियो लेट नहीं होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, लेटर टू गॉड। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जो इसकी जो स्टोरी है लेटर टू गॉड, बिल्कुल मिलती जुलती है। आपने एक मूवी देखी होगी, OMG मूवी, ओ माई गॉड, जिसमें अक्षय कुमार रहते हैं और परेश रावल रहते हैं। तो उसमें जो होता क्या है, जो परेश रावल होते हैं वो उसका जो घर का नुकसान, दुकान का जो नुकसान होता है नेचुरल डिजास्टर के वजह से, तो उनका ब्लेम जो गॉड पे करते हैं और गॉड से पैसे डिमांड करते हैं। सेम एज इट इज़ जो आज मैं स्टोरी नरेट करने वाला हूँ, लेटर टू गॉड, तो इसकी भी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सो फ्रेंड्स, इसमें लेटर टू गॉड में एक पर्सन होता है जो कि एक फार्मर होता है, कॉर्न फील्ड फार्मर होता है। उस पर्सन का नाम जो रहता है वो लैंचो रहता है और उसका जो कॉर्न फील्ड का जो खेती रहता है, बेचारे बहुत ही मेहनत से प्यार से उस जो कॉर्न को, जो कॉर्न मतलब फ्रेंड्स मक्के की खेती होती है, मक्का कहते हैं उसे, तो बहुत ही मेहनत से उसको मतलब बड़ा करता है। जब वो कॉर्न बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाता है, हो जाता है, काटने के लायक हो जाता है, तो ऐट द एंड नेचुरल डिज़ास्टर आता है और पूरा उसका फसल बर्बाद हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके स्टोरी में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ समरी, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट कुछ इस तरीके से होती है कि एक लैंचो नाम का फार्मर रहता है जो कि वैली हिल्स और वैली के आसपास, इंटायर वैली में सिर्फ उसी का घर रहता है और उसी वैली के पास उसका एक खेत भी रहता है जो कि उसमें मक्के की खेती करता है वो। सो फ्रेंड्स, वो पूरे साल, अपना पूरा साल वो उस मक्के में दे देता है, जी जान से मेहनत करता है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एक लैंचो रहता है, उसके दो सन्स रहते हैं और एक वाइफ रहती है। जो बड़ा बेटा रहता है वो भी अपने फादर को हेल्प करता है खेत में और करंटली वो भी उसी खेत में भी काम कर रहा है। तो उसका फादर होता है वो खेत से बाहर आता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता रहता है आसमान में। सो फ्रेंड्स, जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई में देख रहा था, तो एट दैट टाइम कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसके बॉडी पर आके गिरते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर हो जाता है कि चलो अच्छी बात है कि अब जो कुछ वाटर ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, तो ज़मीन था जो जो फील्ड था काफ़ी ज़्यादा सूख गया था, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट की नीड थी जो फील्ड को, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करता है, सेटिस्फैक्शन फील करता है क्योंकि कुछ ही वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं गिरने लग जाते हैं। तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा था वहाँ पे, तो मतलब वो अपने मन में ये सारी बातें वो सोच रहा था। फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर में क्या होता है कि लैंचो की जो वाइफ होती है वो आवाज़ लगाती है कि खाना खाने का टाइम हो गया है, आप लोग अंदर आ जाइए। छोटा बेटा जो होता है घर के पास ही खेल रहा होता है, तो सारे जो फैमिली होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। जो लैंचो होता है वो अपने वाइफ से बात कर रहा होता है कि पूरे साल की मेहनत के बाद देखो जो मक्के का खेती है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, तैयार हो गया है, उसमें फ्लावर्स आ गए हैं और मतलब कुछ ही दिनों के बाद वो कटाई के लायक, हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है वो। ये सब बातें आपस में डिस्कशन हो ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश आ जाता है। बारिश आने के साथ साथ क्या होता है फ्रेंड्स, आंधी भी आ जाती है। सो उसकी जो डिज़ायर थी कुछ वाटर ड्रॉपलेट की थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आ जाता है और उसके साथ आंधी भी आ जाता है। लैंचो बाहर निकल के देखता है, उसकी आंखों के सामने ही देखते ही देखते उसके सारे जो कॉर्न, रिप कॉर्न की जो फील्ड थी, खेती थी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। बर्बाद जब वो बारिश रुकती है, आंधी रुकती है, तो देखता है कि सिल्वर पियर्स मीन्स फ्रेंड्स मोतियाँ होती हैं, मतलब जो मक्के के जो दाने होते हैं पूरे सिल्वर पियर्स की तरह मोतियों की तरह पूरा
फैल जाता है खेतों में, चमकने लग जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है वो जो लैंचो होता है, और बिल्कुल ही सैड हो जाता है, उसका जो हार्ट होता है वो टूट जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद वो क्या होता है कि वो कहता है कि पूरे साल इन हाथों ने खेतों में काम किया है, लेकिन जो इससे पहले मैं इन हाथों से लिखता भी था, मैं लिखना नहीं भूला हूँ, और फॉलोइंग संडे को, मीन्स आने वाले संडे को, मैं इन्हीं हाथों से एक लेटर लिखूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टोरी, जो मेन स्टोरी है, मेन कहानी अब स्टार्ट होती है। तो वो कहता है कि मैं इन्हीं हाथों से लेटर लिखूँगा। फ्रेंड्स, किसको लेटर लिखेगा वो? वो लेटर लिखेगा, लेटर टू गॉड लिखेगा, क्योंकि वो गॉड को ही इसके लिए जिम्मेदारी ठहरा रहा है वो। और वो कहता है, फिर फॉलोइंग संडे आता है, और फॉलोइंग संडे को वो पोस्ट ऑफिस आता है लेटर लेकर, और उस लेटर में वो मेंशन करता है कि गॉड, मैंने पूरे साल मेहनत करके ये खेती को तैयार किया है, और आपने एक झटके में इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं तो अब अपने परिवार को कैसे रखूँगा, हम तो पूरे साल भूखे मरने वाले हैं, हमारी तो पूरी बुरी हालत हो जाएगी। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नुकसान हुआ है मेरे कॉर्नफील्ड का, आप उसकी भरपाई करें। और वो 100 पैसों की डिमांड करता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में पैसों की बन है, जस्ट लाइक इंडिया में जो होता है, क्या होता है, रुपीज चलता है, अदर कंट्रीज में करेंसी चलता है, तो सेम वो पैसे का, करेंसी का नाम है, जो कि और अदर कंट्री में डॉलर चलता है, तो ये करेंसी जो नेम होती है अदर कंट्रीज का, तो वहाँ पर पैसों दिखाता है वो। सो फ्रेंड्स, वो 100 पैसों को, 100 पैसों जो समथिंग कुछ होता होगा, तो वो 100 पैसों का डिमांड करता है, लेटर लिख के जाता है पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है वो। फ्रेंड्स, जो पोस्टमैन होता है, आपको एक बार बता दूँ कि लेटर को पहुँचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटी के लेटर होते हैं, कोई इस सिटी का होगा, कोई सिटी का होगा, कोई सिटी का होगा, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट सिटी का जो पोस्टमैन होता है अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्टिंग्यूश कर लेते हैं सबको, अलग अलग लेटर को, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्टमैन होते हैं उसके थ्रू वो भेजा जाता है। तो जब पोस्टमैन उस सारे पोस्ट बॉक्स से लेटर निकाल के डिस्टिंग्यूश कर रहा था, तो फिर उसमें जो लेटर में लिखा हुआ था टू गॉड, फ्रेंड्स एक चीज़ और बेसिक चीज़ में बताना चाहता हूँ, जब भी हम लेटर भेजते हैं तो जो पेपर होता है उसको हम फोल्ड करके एक लिफाफा होता है उसके लिफाफे में डाल देते हैं, लिफाफे में डालने के बाद उसके ऊपर टू लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, टू में हम उनका एड्रेस डालते हैं जिसको हमें भेजना होता है, फ्रॉम में हमारा एड्रेस होता है जो लिखने वाला होता है, जो भेजने वाला होता है। सो फ्रेंड्स, भेजने वाले का तो जो फ्रॉम था वहाँ पे तो लेंचो का एड्रेस था वो ठीक था, लेकिन जो टू था, टू में क्या था वहाँ पे, टू गॉड था, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था टू गॉड। तो वो पोस्टमैन ये एड्रेस पढ़ के कहता, मैंने लाइफ में ऐसा एड्रेस तो सुना नहीं है, तो जिसे देख कर वो हंसने लग जाता है। फिर उस लेटर को जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्टमैन से सीनियर होता है, तो उसके डेस्क पे लेके जाता है और उसको दिखाता है। बेचारा जो पोस्ट मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता वाला इंसान रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान रहता है, लेकिन ये एड्रेस देख के उनकी भी हंसी निकल जाती है। हंसी निकलने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वो सीरियस भी जाते हैं उसके पास, आप उस लेटर को पढ़ते हैं, और जो उसके अंदर जो दर्द भरी जो कहानी लिखा रहता है। अब यहाँ पे कुछ होते हैं कि एनालाइज हम करते हैं कि लेंचो किस टाइप का इंसान था, तो हम एनालाइज से ये कह सकते हैं कि जो वो काफ़ी ज़्यादा गॉड के प्रति सच्चा इंसान था, और गॉड में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता था वो, और जो गॉड और उसका जो कनेक्शन था बिल्कुल परफेक्ट था, प्योर था, कोई मतलब कि किसी तरह का मतभेद नहीं था, बिल्कुल प्योर था। तो इसे एनालिसिस कर सकते हैं कि जो लेंचो का जो गॉड के प्रति जो ट्रस्ट था, बिलीव था, और कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं गॉड के लेटर लिखूंगा तो 100% मुझे पैसे भेजेंगे तो भेजेंगे, क्योंकि ये जो हुआ, जो भी नुकसान हुआ, ये गॉड के वजह से हुआ, इसकी भरपाई गॉड ही करेंगे। उस स्टोरी आपको बिल्कुल OMG की मूवी की तरह ही लग रहा होगा, जो परेश रावत था, जो कि कांजीलाल मेहता के रोल करते हैं उसमें, तो वो भी अड़ा रहता है एट द एंड तक कि ये पैसा मैं लेके रहूँगा। तो एज इट इज़ लेंचो भी बिल्कुल जिद पर जाता है कि मैं पैसा गॉड से लूँगा तो लूँगा, वही मेरे पैसा देंगे।
तो फ्रेंड्स, जो पोस्ट मास्टर होता है लेटर को पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो मतलब सोचते हैं कि जो इसका जो पैसा है वो गॉड तो रिटर्न करने वाला है नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिल्कुल एक फिजिकली सोचा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि उस 100 पैसे जो गॉड उसको रिटर्न करेगा। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इस लेटर का मैं ही रिप्लाई करूँ, लेटर को रिप्लाई करने के साथ साथ कुछ मैं इसमें डाल भी दूँ। तो वो डिसाइड करता है कि जो उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचता है कि मैं करूँगा। उसके बाद होता क्या है कि वो उसकी भी जो सैलरी होती है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो एफर्ट नहीं कर पाता उतना ज़्यादा। सो जो वो भी उसके एम्प्लॉय होते हैं पोस्ट ऑफिस में, सबसे रिक्वेस्ट करता है, सभी लोग कुछ ना कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओवरऑल मिला के 70 पैसे ही हो पाता है। पोस्ट मास्टर क्या होता है 70 पैसों को लिफाफे में डाल देता है, उसके साथ लेटर भी डाल देता है। फिर जो लंच होता है फॉलोइंग संडे को आता है, हर एक बार की तरह वो फिर से संडे को आता है। और वो हर संडे को पोस्ट ऑफिस आता था और अपने लेटर के लिए, तो इस बार भी वो आता है लेकिन टाइम से पहले आ जाता है। और लेटर के बारे में वहाँ पे पोस्टमैन से पूछता है कि क्या मेरा कोई लेटर आया हुआ है। जो पोस्ट मास्टर होता है स्वयं आकर वो उनके हाथों में लेटर थमाते हैं, लेटर को लंचों के हाथ में देते ही वो खोलता है, खोल के थोड़ा सा पैसा बाहर निकालता है। तो जब वो पैसा बाहर निकालता है ना, तो वो देख के बिल्कुल हैरान रहता है। मतलब ऐसा वो अंदर से, पोस्ट मास्टर भी बताते हैं कि मैंने लाइफ में पहले ऐसे इंसान को देखा है कि एक तो लेटर गॉड को लिखा है, गॉड की तरफ से पैसा आने के बाद भी कितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस है, कितना ज़्यादा अंदर से वो मतलब सेटिस्फैक्शन उसके अंदर है कि अगर मैंने लेटर जो गॉड को भेजा है तो वो पैसा भेजेंगे तो भेजेंगे ही। तो कोई डाउट नहीं था, कॉन्फिडेंस था पूरा 100% कि पैसे आएंगे। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकाला, वो पैसा देखा उन्होंने, जब गिनना स्टार्ट किया पैसे को तो उसमें 30 पैसों कम थे। तो फिर से वो लेटर को लिखता है और कहते हैं कि गॉड मुझे पता है आपने तो 100 पैसे ही भेजे होंगे। तो दोबारा से वो लेटर गॉड को लिखता है, कहता है कि गॉड आई नो डैट कि आपने तो पैसा भेजा होगा 100 पैसे, बट मुझे 70 रिसीव हुए, 30 पैसे रिसीव नहीं हुए। मुझे लगता है ये 30 पैसे जो ऑफिस वाले हैं इन्होंने ही आपस में बांट लिए हैं, इन्होंने रख लिया है। सो एट द एंड जो गॉड के पास फेथ रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, वो बिल्कुल कम नहीं होता है। तो इसी कारण से वो जो ब्लेम होता है इन ऑफिस वालों पे लगा देता है। और फिर फ्रेंड्स यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाता है, लंच को 70 पैसे मिल जाता है, दोबारा से वो लेटर जो गॉड को लिख देता है उसमें ब्लेम करता है 30 पैसे इन ऑफिस वालों ने ले लिया। फ्रेंड्स तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि स्टोरी आपको कैसा लगा। और अगर किसी और भी चैप्टर का स्टोरी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बना दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।